झारखंड के सीएम रघुवर दास ने ट्वीट कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद महान राष्ट्रवादी और प्रखर नेता थे। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद का झारखंड से भी संबंध रहा है। सीएम रघुवर दास ने कहा कि अगर कहीं भी गौवध हुआ तो संबंधित क्षेत्र का थानेदार तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। 20 सूत्री प्रोग्राम की बैठक में सीएम ने कहा कि अगर गौक्षी हुई और उसकी आड़ में माहौल बिगड़ा तो एसपी का सीआर खराब कर दिया जाएगा। सूबे के 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में सीएम रघुवर दास ने शिरकत की। इस मौके पर दास ने कहा कि आजादी के बाद हमें स्वराज मिल गया, लेकिन स्वराज हासिल नहीं हुआ। उन्होंने सभी सदस्यों को जनता के प्रति जवाबदेह बनने की अपील की। 20 सूत्री की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार बालू घाटों को मुफ्त करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिव और उद्योग सचिव को 10 दिन में बैठक कर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मानगो बालीगुमा पावर ग्रिड का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने अन्य सब पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। इन पावर स्टेशन से बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी। झारखंड में बीजेपी पूरे जोर शोर से जेएमएम शिवू सोरेन के पूरे कुनबे की घेराबंदी शुरू की है। बीजेपी ने सोरेन परिवार की संपत्ति को आधार बनाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें शिवू सोरेन के बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी बहू सीता सोरेन भी शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने की तैयारी कर ली है। सोरेन परिवार ने सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ जेएमएम पार्टी का स्टैंड कड़ा कर दिया है। झामुमो के रणनीतिकारों की माने तो मनगढ़ंत आरोप लगाने का नुकसान बीजेपी को होगा। झारखंड सरकार सूबे में मनोरंजन कर में 10 साल तक छूट देने का विचार कर रही है। इससे सिनेमा हॉल के मालिकों को मनोरंजन कर में 1 से 10 साल तक की सशर्त छूट मिलेगी। ये छूट छोटे मझोले और बड़े शहरों के लिए अलग अलग होगी। कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, मेडिकेयर सहित अन्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए बैठक शुरू हो गई है। 15 अगस्त के पहले ही श्रमिकों के वेतन पेंशन पर फैसला ले लिया जाएगा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरदार पंडा की ताजपोशी हुई। 46 साल के बाद सरदार पंडा की गद्दी पर अजितानंद ओझा विराजमान हुए हैं। पूरे विधि विधान और परंपरा के साथ सरदार पंडा की ताजपोशी की गई है।